जय माता जी के साथ स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग है किसका है टिप बना बींद का। आज का व्लॉग है ये देखो कितने गंदे लग रहे हैं अभी जस्ट सो के उठे। अरे बाप रे 9-9 बजे तक कौन 9:30 बजे तक कौन सोता है। मैं और टिप्पना दोनों नहा चुके हैं तभी इतने सुंदर लग रहे हैं। मैं भी नहा चुकी हूँ बस वो भी जस्ट उठे हैं अभी वो नहा के आएंगे उसके बाद में ही दिखाएंगे आप लोगों को उनका लुक। बहुत गंदे लग रहे हैं मेरे को तो अच्छे लग रहे हैं। तो चलो शेयर करते हैं आज का डे। बने रहिएगा व्लॉग के साथ में बिल्कुल भी स्किप ना करें है ना टिप्पना। क्या या अच्छा और हाँ जी आपको कुछ बोलना है बिना नहाए हुए लोगों हो गए सुंदर वाह वेल डन। नहीं आता कुछ नहीं बोल लग रहा बाल बांधी मैं अभी उठी हूँ उठाया को नहीं मन अरे कत्ती बार उठा दी ना मैं ए उल्टा देख लिया छह ने चलो झूठ ना नौना छह देख लिए अरे बोले छह बजे मैं तो कड्डी भी बन चुकी और ए उठे बोली कड्डी वाटो भी चले हाँ नहीं वो बाद रखो बाद रखो वाटो भी चले हैं बताओ रोटी के लिए उठे उठे बोली उठो पड़ पड़ जाओ ना ये आधे घंटा प्यार जो चलो ठीक है मिलते हैं आप लोगों को आधे घंटे बाद में। तो गाइज है ये हिना है वो मेहंदी लगाने वाली हिना मेहंदी हिना सॉरी गाइज बालों में लगाने वाली हाथ पे लगाने वाली अच्छा रस्ती तो है नहीं ये ठीक है वैसे ही है आप देख सकते हो मजाक बना रहे हो ये हमारे भाभी साहब है जो कढ़ी बना रहे हैं आज इनके भैया की ना फेवरेट है कढ़ी पालक वाली कढ़ी बन रही है किस किस को अच्छी लगती है कमेंट्स में बताना। हमारे आज बन रही है कढ़ी और बाजरे की रोटी और चटनी दही दही और छाछ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है मजा आएगा चकाल घर में खाना बनने में आ जाओ फटाफट बगड़े आओ बगड़े आओ नहीं खा जाऊंगा मैं नहीं खा जाऊंगा मैं मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगती बट अब इनके भाई जी को अच्छी लगती है तो मुझे भी अच्छी लगती है। मैं बहुत तीव्रता स्त्री हूँ अगर उनको पसंद है तो मुझे पसंद है अगर मुझे पसंद है तो उनको नहीं पसंद है क्योंकि मुझे फास्ट फूड पसंद है उनको नहीं है। चलो बेटी सही है मंडोड़ा कर लीजिए चलो घर में एक जनों हो जाए तो मंदिर घर है 1000 में मेरी बहन है दूसरा कौन सा है दूसरा सॉन्ग कौन सा है कोई ब्याम में नाचा ना हमारी बाईसा है जो कि मतलब कमेंट्स में पूछेंगे कि ये कौन है तो मेरे जो मामी ससुर जी है ना इनके मामों सब उनके लड़की है ये है ना ये हाय करो तो कहते हाय कहते हाय हेलो तो करते हो तो गाय जी ये हाथ से नहीं करती ओनली मुंह से करती है एक्सप्रेशन करते हैं हर एक चीज का तो आप समझ जाना हाय यही इनकी लैंग्वेज में यही हाय है सी बस अब
लास्ट और कट सीख रही हूँ लास्ट तो हो गया लोग और अब हम आज मुझे तो कुछ करना नहीं है। कड़ी भी लगभग मम्मी ने ही बनाई थी, मैं तो इसको रोड़ रही थी चमचे को मतलब अभी चमचों गाड़ी बाकी सारा मम्मी करा और बाकी मम्मी बना बस चाड़ू को चिकी है और नक पढ़ गई बस ठीक है मौज होगी ना आज मुझे आज मुझे कहीं शाम का गाट भी मर रेड अकाल तो पता नहीं आज तो बस ही कल और कमर में दर्द तो बला को क्या 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 वो शाम तो वापस मनी पड़ा लो अभी अभी है मौसम और मौसम का ये वीडियो शूट करना है तब हम करेंगे हमारे शॉर्ट्स शूट क्योंकि शूट करना भी एक तरह का एक वर्क ही है इस काम से भी ज़्यादा हैक्टिक है वो लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ कई लोगों को यह लगे कि दिन निकाल हो जाते दिखे दिन सारे दिन वीडियो शूट करे मेरा सास रहा स्पेशली और बोलते हैं मेरे पूरा काम तो पूरा वीडियो शूट करे काम नहीं करूँ तो मैं थोड़ी बहुत दिखवा दे तो थोड़े बार कटे संदीप जी बन गई क्या बनी खा लिया तुम तो मेरी तो ये उसको पीऊँगा मैं तो मस्त बनी है कड़ी अब बनेगी बाजरे की रोटी मम्मी बनाएगी वो नता होगा नहीं मम्मी बना सी मम्मी की बोल तो सही था बाजरे की रोटी गैस पे बनाओगी या चूल्हा पर घी गाल खाऊंगा बाद में मजो हो जन तो तुम्हारी बुन तेरे पर आप रात की मेहंदी कौन छूट बाजी कर दे आती तारी तो मजा आ रहे ना इन्हें भाग रहे हैं इन्हें गाड़ी टकाई हुई है फोन आ रहे नहीं होगा क्यों आ रहे ठीक है तो खावा देना मिला था आरसू है ना अभी आप लोगों को बाजरे की रोटी और कड़ी और आप लोगों को मंत्र चाहिए हमको थैंक यू वेरी मच ये देखो हमारे कड़ी बनी नहीं है उससे पहले ही हो गए स्टार्ट मुझे आओ गरम गरम खाओ फोन टाइम बना रही है रोटी मैंने भी कई दिन हुआ खाया तो मम्मी बना रही है बाजरे की रोटी मेरे ताई आज हम लोग प्योर देसी लंच कर लंच ही हाँ लंच ही हो गया लंच करने वाले ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिला के सभी हम लोग खा रहे हैं खाना और ये दोनों भाई झगड़ा कर रहे हैं ये बोल रहे हैं मैं खाऊंगा ये बोल रहे हैं मैं खाऊंगा और ये हमारी कड़ी देखो सारा सब कुछ यहीं लेके आ गए देख सकते हो
यहीं चुग लगा कटोरे में पहुंचो को लगे चूर लगाएंगे ना बस तो कहीं कड्डू का आलू सारा कर अब पीछे हुई है ठीक है ये हमारी कड्डी रोटी और ये है हमारी चटनी अब बस खाएंगे कोई नहीं बोलेगा अब कोई नहीं बोलेगा कोई कुछ शूट नहीं करेगा ये हमारी छाछ देखो शक लुखा रहा है लाई और खाना वाना खा के हम लोग चले गए थे नीचे वीडियो शूट करने थे काकी साहब को हमने थोड़े बहुत ये हरे चने दिए थे इनको खाते खाते हम कुछ कंटेंट लगे वीडियो शूट कर रहे थे जो आप लोगों को हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को मिलेंगे ज़रूर देखना आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं सो बस शूट करते करते शाम हो चुकी थी 3:30 बज चुके थे और फिर आप लोगों को पता ही है जैसा कि शाम की चाय का टाइम हो गया था नीचे से शूट फिनिश करके आते ही मैंने जस्ट चाय बनाना स्टार्ट किया क्योंकि आप लोगों को पता है घर का काम भी साथ में करना होता है और शूट भी कंपलसरी है सब कुछ ऐसा ही नहीं होता सच में बहुत सारा हेक्टिक डे हो जाता है सब कुछ मैनेज करना पड़ता है बट कोई नहीं अपना वर्क है तो ऑब्वियसली टाइम देना ही पड़ेगा सो आगे का व्लॉग कंटिन्यू है आप लोग इन्जॉय कीजिए पूरा व्लॉग जरूर देखें बिल्कुल भी स्किप ना करें और फिर हम सभी ने बाहर बैठकर बातें करते हुए चाय एंजॉय की बहुत ही मजा आया तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम जाने वाले हैं वापस से ड्यूटी ड्यूटी छुट्टी आई थी जैसा कि आप सबको पता है और मैं बना रही हूँ उनके लिए पराठे हमारे बोल रहे हैं उनके लिए खाना खा के चले जाएंगे और पराठे भी लेके चले जाएंगे बस उसी की तैयारी हो रही है कल तो इस टाइम ऐसे लग रहा था कि आने वाले हैं आने वाले हैं आने वाले हैं और वापस से जा रहे हैं बट क्या करें जो तो करनी पड़ेगी बनता है पराठे पैक करेंगे उनका खाना यहाँ से निकलेंगे वो शायद 8:30 के समय 8:30 बजे की यहाँ से बस नींद का खाना से 10 बजे की ट्रेन होगी चेतक उसी में जाएंगे वो और हिना भाई साहब को कैसा लग रहा है बहुत अच्छा भाई साहब जा रहे हैं तो भाई साहब जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है नहीं भाई साहब बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है परांठे खाने क्या आपको हाँ ठीक है उसे तो था तो एक्स्ट्रा बनाऊँ बाजरे की रोटी कैसे ठीक है उगाने तो पराठे एक्स्ट्रा सब बनाते हैं पराठे उसके बाद हम पैक करेंगे चटनी बना दी यहाँ पर मटर की उनके लिए पराठे में पैक करने तो बस करते हैं अभी तैयारी और मिलते हैं थोड़ी देर बाद में सो गाइज अभी मेरे पति देव जाने वाले हैं थोड़ी देर में आई एम सो सैड बट क्या कर सकते हैं ये पेट पापी है फिर गुजारा होता है यार फिर गुजारा करनी पड़ेगी ना अच्छा इसलिए जा रहे हो तो गाइस ये ना कैमरा शाही पर्सन है अगो लगे को जीव दूर तो उड़े मन छोड़ जा रहे थे ना बट एक्सप्रेस कौन कर पाओ आपकी फीलिंग्स है ना जीव दूर हो रहे हैं झूठेला सी दो
देखो मैं कहती राजू यहाँ सुनबा के लिए कत्तियाँ बेचैन हो रही हूँ। हाँ तो आगे क्यों क्यों हो रही हो जीव दूर तो ले चलो यार तनावड़ जाओ बट एक लन रोजो मत प्लीज यार रोजो मत प्लीज मन पता है तुम यहाँ बार बार दांत काट रहे हो प्लीज यार रोजो मत नहीं मैं भी रोबा लग जाऊंगा सीरियसली मैं तो उड़ी कूकने से सर कर दिया मैं लास्ट टाइम भी वेट करी बट आप आया ही नहीं कि पता तो अगली बार भी आपने कोई काम आ जाए फिर 15 दिन में शो हाँ बट अब तुम्हारी ना इवेंट है ना ओ मैं तो भूल गई थी ना तो ठीक है मैं राजी हूँ कोई दिक्कत वो नहीं जाऊँ भूल गया यार मार दिमाग को निकल गया बट फिर भी यार 7 दिन यार सही मैं एक चीज़ बताऊँ मैं ना मैं दिल्लू बताऊँ ना एक चीज़ है मन मणक सास बहुत चोको लगे ना बट थे ठहरे हो जाना ही बाकी मन तो गंदो लगे मैं बता भी कौन सा थे डरे हो ना जना मारो ठमन लाग जावे थे नेरे हो जना खोल लगे कैसे समझो तो मैं बोलो बोल के समझाओ मन को कनेक्ट करो मन तो ऑलरेडी कनेक्ट है आप मिल लेते ना उसी टाइम कनेक्ट हो गया अब क्या कनेक्ट होगा अब तो मरूंगी ना तब डिसकनेक्ट होगा और तब भी नहीं होगा शायद मरी आत्मा भटकती ऋषि के गाय टकून के पचक है वो रो मत तू यार प्लीज यार रो रहे क्यों तू तू मन पता तो खुशी है खुशी है ना ठीक है तो सेड क्यों रहे हो यार मैं यार नहीं है कौन देख सकूँ यार प्लीज यार डोंट बी इमोशनल अभी खाना खाएंगे अभी मैं इनके लिए पराठे बना के आई हूँ पराठे पैक करेंगे और एक घंटों मर ये 2 मिनट कीजिए निकल जैसे और फिर बाद में टाइम वो मऊ और वो टाइम है आज थकी सोगन मतलब पूरा दिन को पता कौन चलो ना खड़ा निकल गो ये हमेशा ये देखो 2 बज गया गए 3 बज गया गए 4 बज गया गए ये होता है हस्बैंड का कमाल मैं बड़ों के साथ बड़ा हूँ छोटों के साथ छोटा हूँ टाबरों के साथ तो मैं टाबर ही हूँ तो मैं तो टाबर ही हूँ कठिन सीख रखो दिखाऊन वो नेचर तो हम भी जनाब वैसे ही हैं जहाँ पैसे होता है घूंघट करके रहना है मान सम्मान के साथ में वहाँ जहाँ वैसे रहना होता है कि अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग रहना होता है तो वहाँ पे वैसे रहते हैं जहाँ पे एक बेटी की तरह रहना होता है वहाँ वैसे रहते हैं जहाँ पे एक बहू की तरह रहना होता है वहाँ पे वैसे रहते हैं हम भी उसी टाइप के हैं हम कौन से अनोखे हैं अब ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने मैं घूंघट निकाल के बैठ जाऊँ वो भी एक जहाँ पे ऐसा होता है कि हाँ यहाँ पे घूंघट रखना चाहिए वहीं रखा जा सकता है हर जगह तो वो भी अच्छा नहीं लगता हर चीज़ अपनी जगह अच्छी लगती है आई बात सुन वन मिला मन हमेशा एक अलावा भी तुकी बोल दिया करो